कासगंज में एक सप्ताह पूर्व 22 वर्षीय अज्ञात युवती के शव का पुलिस ने शिनाख्त कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग को लेकर परिजनों ने इस युवती की हत्या की। पिता ही बेटी का कातिल निकला, जिसमें चार लोग फरार चल रहे थे। मामला कासगंज के काली नदी कॉर्नर खेड़ा में 13 अप्रैल 2022 का है, जिसमें 22 वर्षीय युवती का शव काली नदी में मिला था। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। पुलिस ने इस घटना के लिए टीमों का गठन भी किया। पुलिस ने ऑनर किलिंग मामले में आरोपी पिता राम अवतार को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया हुआ है। ठीक है, 13 अप्रैल 2022 को गांव कानर खेड़ा में काली नदी के पास एक शव पुलिस को प्राप्त हुआ था। सूचना मिली थी, मौका मुआयना इत्यादि किया गया। शव को एक बड़े से पत्थर से बांध के रखा था, दोनों हाथ जो है वो बांधे हुए थे। एक लड़की का ये जो है वो मृत शरीर था। इन लोगों का मकसद, जो भी इसमें किलर्स थे, इन लोगों का मकसद हो सकता है कि उसको बड़े से पत्थर से बांध के पानी में डुबो दें, ताकि शरीर जो है वो ऊपर फ्लोट ना करे बाद में। जब सारा CDR का एनालिसिस और कुछ पर्चे हम लोगों ने बांटे गांव-गांव में, लगभग 30 से 40 गांव में, उसके फोटो इत्यादि सारी सूचना हम लोगों ने की, तो एक व्यक्ति ने जो कि पूर्व ग्राम प्रधान है, उसने सूचना दी कि हमारी गांव की एक लड़की है, शिनाख्त उसकी जो है शोभी डॉटर ऑफ राम अवतार के रूप में हुई थी। इस पूरे घटना का खुलासे के लिए एडिशनल SP CO सिटी और इंस्पेक्टर कासगंज को इसमें लगाया गया था। करीबन 5 टीमों का गठन इसमें किया गया था। जब हम लोग इसके गांव में पहुंचे तो ऑनर किलिंग के बारे में हम लोगों को सूचना मिली कि इसमें ऑनर किलिंग हो सकता है। कातिल पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मृतक सोबी का प्रेम रोहताश के साथ था। जब इसकी खबर परिजनों को लगी तो परिजनों ने सोबी को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सोबी अपने प्रेमी रोहताश के साथ भाग गई। परिजनों ने सोबी को बहला फुसला कर गांव सुजावलपुर थाना सिकंदरा राव जनपद हाथरस बुलाकर उसी रात को उसकी हत्या कर दी। और जो 5 लोग 3 बाइकों पर सवार होकर आए थे, उन्होंने कासगंज की काली नदी में सोबी के शव से एक बड़ा पत्थर बांध कर उसे काली नदी में फेंक दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस ऑनर किलिंग का खुलासा कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया है। बाकी मृतक का भाई और अन्य 3 लोग फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।